पितृपक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के उद्धार हेतु नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में करवाए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित संगत को कहा कि भागवत कथा कष्टों व सांसारिक दुखों को नाश करने वाली, जीवन में सुख शांति देने वाली एवं कल्प वृक्ष की तरह सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कथा है। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, एसपी ज्वेलर्स के मालिक रमन जैन, ओएसडी हरप्रीत वालिया और अनिल शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अजय मल्होत्रा, हरेकांत झा, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र, संजय चड्ढा, पंडित मायाराम, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, जीवन शर्मा, रोशन लाल, बीपी सिंह, राहुल शर्मा, हरनूर सिंह भाटिया, गुरप्रीत सिंह भाटिया, रितु शर्मा, मीनू मल्होत्रा, सावित्री देवी, वीना देवी, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान चमनलाल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, कैशियर नरेश राजन, अश्विनी भारद्वाज, सुभाष वर्मा और स्त्री सत्संग संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा सहित असंख्य गुरु भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपनी परंपरा के अनुसार करें, दर्शन करें, व्रत करें, तीर्थ स्नान करें, दर्शन करें, ये सब करें, काम करें, धर्म करें, यज्ञ करें, सब लेकिन ज्ञान के लिए मुक्ति की मुक्ति इनमें से किसी दिन से नहीं होगी। भरोसे मत रहना कि इससे मुक्ति हो जाए, ये सब कारण हमें करना है। अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब कहीं ज्ञान की योग्यता है। कहीं ज्ञान होगा ही नहीं। खंड प्रेम है, खंड श्रद्धा है, खंड भक्ति है, वहां ज्ञान स्थिर नहीं होगा। सुन तो ले, स्थिर नहीं होगा। स्थिर कहां होता है? जहां अखंडता है, अखंड भक्ति है। इसी कारण से टूटने वाली नहीं, छूटने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं,